Never miss a prediction videos. Channel subscribe करके bell icon press करें and stay updated for latest videos. आदित्य उद्धव ठाकरे का मतलब है, आदित्य का मतलब सूर्य और उद्धव का मतलब उदय. बाला साहब के घर में आदित्य जो है वो उद्धव के घर में सूर्य की तरह चमकेगा और आगे आने वाले दिनों में ये लड़का भी चीफ मिनिस्टर बनेगा. ये बहुत से चैनलों पे मैं बोल चुका हूं. आदि की अगर आदित्य की बात करें तो एक बात पक्की है, जिस तरह की वीडियोस या जिस तरह के लांछन पब्लिक लगा रही है वो निराधार है. कुंडली निराधार है, ये बात मेरी देख लेना. और ये बात साईं सामने है, ये बात एक दिन प्रूफ होगी. ये सरकार रहती है या नहीं रहती उसको छोड़ दो, उस परिवार के खून में ही इन ऐसी चीजें नहीं हैं जिस तरह से ये लांछन लगाए जा रहे हैं. ये राजनीतिक दबाव में आकर कुछ विरोधी पक्ष जो हैं ऐसी बातें करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है. मैं अगर किसी को कल बोल देता हूं कि भाई तुमने बलात्कार किया है, तुमने ये किया, तो उससे प्रूफ थोड़ी हो जाता है जी. क्योंकि आप बाला साहब ठाकरे के पोत्र हो, के घर में आपको एक्सपोजर सब मिला. बट डेफिनेटली जब भी आप किसी पोजीशन पे आ जाते हो तो आपके मित्र, आपके साथ रहने वाले लोग आपका अनिधिकृत यानी अनवांटेड फायदा लेते हैं. आप 100% इनकी कुंडली में ऐसा ही है. इनके मित्र, इनके अपने रिश्तेदार, इनको उनसे दूर रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वन मंथ और टू मंथ्स. महाराष्ट्र में इन दिनों दो लोगों पर बेहद प्रेशर है, उसमें से एक है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे. आदित्य ठाकरे, हालांकि काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको विनम्रता राजनीति में होते हुए अमल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिन संस्कारों में आदित्य ठाकरे पले बड़े हैं वो काफी अलग तरीके के संस्कार है. बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, उद्धव के बेटे हैं, रश्मि के बेटे हैं. तो ऐसे स्थिति में जिन तरीकों से और जिन माध्यमों से उनके ऊपर जो लांछन लगे हैं, क्या लगता है आदित्य ठाकरे कितने तनावपूर्ण होंगे? देखिए, यहां पर भी मैं आपको तीन चीजों से रूबरू करना चाहता हूं, दर्शकों से भी. उस परिवार के संस्कार, अभी जो आपने बोला, बाला साहब ठाकरे के सपुत्र, उद्धव ठाकरे के पुत्र, उद्धव ठाकरे सौम्य और किस तरह के व्यक्तित्व हैं, आपने उनके ऊपर पिक्चर बनाई है, आपको पता है. मैं उनको 25 बार मिल चुका हूं, मुझे पता है. एक विनम्र सौम्य स्वभाव का व्यक्ति. और आदि की अगर आदित्य की बात करें तो ये धन की आपको कोई कमी नहीं है बेटा. परिवार में पिताजी इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मित्र जिनके ऊपर आपको किंचित भी आपको ये लगता है कि ये मेरा दुरुपयोग कर रहा है, उसको इमीडिएटली आप अपनी मित्रता की लिस्ट से बाहर कर दीजिए. और दुरुपयोग करते हैं मित्र, वो जाकर बोलेंगे कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो मेरे ही लोग हैं जी. इसलिए उनका जो भी ऐसा व्यक्ति किसी भी बड़े ऑफिसर को जाकर बोलता है उसको इमीडिएटली बाहर कर देना चाहिए. और आपको अपने अधिकारियों को ये हिदायत देनी चाहिए कि अगर किसी भी तरह से हमारे नाम का दुरुपयोग होता है तो हमको इन्फॉर्म किया जाए. आपकी कुंडली में बेटा, मैंने आपको याद नहीं है, ये इलेक्शन से पहले दो भविष्यवाणियां की थी कि देवेंद्र फडणवीस भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे. वो एक दिन के बने और ये कितने दिन के बनते हैं अपन देखते हैं. दोनों भविष्यवाणियां सत्य हुई. और मैं बहुत बार आपके शो के माध्यम से भी और अन्य चैनलों के माध्यम से भी ये बोल चुका हूं कि आदित्य उद्धव ठाकरे का मतलब है, आदित्य का मतलब सूर्य और उद्धव का मतलब उदय. बाला साहब के घर में आदित्य जो है वो उद्धव के घर में सूर्य की तरह चमकेगा और आगे आने वाले दिनों में ये लड़का भी चीफ मिनिस्टर बनेगा. ये बहुत से चैनलों पे मैं बोल चुका हूं. कुंडली में देखकर
जो लोग आदित्य ठाकरे का साथ देना चाहते हैं या आदित्य जिनके ऊपर निर्भर होना चाहते हैं वो उतने क्षमतावान है जितने कि सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, रामदास कदम, मिलिंद नार्वेकर या विनोद घोसाळकर या सुनील प्रभु, गजानन कीर्तिकर जैसे लोग जो बालासाहेब ठाकरे के लोग थे उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। आदित्य ठाकरे इस कुंडली को देखकर क्या करना पसंद करेंगे और क्या करना चाहिए? ये बात आपसे आपने पहले भी एक बार मुझे पूछी थी तो यहां पर मैं तो यही कहूंगा, लोगों ने मुझे पूछा क्या आदित्य ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मैंने ये जवाब दिया था जो अभी आपको अभी देना दे रहा हूं कि अभी वो बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, उनको डेफिनेटली अपने पिता के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। सीनियर नेता जैसे गजानन कीर्तिकर है, अनिल देसाई हैं, सुभाष देसाई हैं, इन लोगों से सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मगर इस वक्त अगर वो अपने आप अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें उनकी गलतियां हो रही हैं। उन्हीं की टीम में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनका दुरुपयोग करके उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि गुरु में बुद्ध वो करवाता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि बुद्धम प्रदाताराम होम वंश प्रवर्धनम। बुद्धि बुद्धि आपकी जो मानसिक शक्ति है, आपकी जो सोच है उसमें बदलाव आ जाता है और आप लोगों के बहकावे में आ जाते हो। आप ये मानसिक बातें हैं, बहकावे में आ जाते हो और कहीं ना कहीं उस ट्रैप में आ जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं और मैं स्टेट का मंत्री हूं, तो उस बहकावे की वजह से आपसे मिस्टेक हो सकती है। इस वक्त आप कोई भी चीज 3 महीने तक अपने पिता के बिना पूछे बिना ना करें, और अगर पिता आपको बोलते हैं कि ये हमारे सीनियर नेता हैं इनसे सलाह लो, जैसे जोशी साहब हैं, बुजुर्ग हैं, वो अभी शायद तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती है ना, और ऐसे बड़े नेता जो हैं, रामदास कदम है, चाहे वो दीपक सावंत हैं, सुभाष देसाई हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों की सलाह लेकर आप चलें।